अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी वीडियो के फ़ौरन बाद ये काम कर लीजिए, क्या पता कल को कोई हादसा हो जाए, अगले दिन मोबाइल खो जाए, पहाड़ से गिर जाए। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज आपको एक ट्रिक्स देखता हूँ, फ्री की ट्रिक आपको दूंगा दोस्तों। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना, तो पिस्तौल हमारी, जान तुम्हारी। और ये आपके बहुत काम की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास 5-10 कस्टमर दिन में ऐसे आ जाते हैं जो ये पूछने के लिए आते हैं कि वो उनका जो पुराना डाटा है वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मोबाइल के साथ कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है सबके साथ, कभी बस के नीचे आ जाता है। आज एक सुबह एक कस्टमर आया था, उसका फ़ोन बिल्कुल बस के नीचे आ गया था, उसका मदरबोर्ड भी टूट गया था, तो उसका सारा डाटा गया। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी थी दोस्तों, डाटा कभी भी है ना आप जीमेल आईडी पर सेव कर लीजिए। ये दिन में जो 5-10 कस्टमर आते हैं दोस्तों, पता ही नहीं रहता उनको कि डाटा हम सेव भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सेव भी कर सकते हैं, SMS सेव भी कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियो बच्चों की जो होती है हमारे घर की, तो वो सेव भी कर सकते हैं, ये पता ही नहीं होता दोस्तों। कॉल हिस्ट्री तक सेव हो जाती है दोस्तों। तो ये हम मोबाइल रिपेयर सर्विस सेंटर में, तो दोस्तों मेरा बताना फ़र्ज बनता है आपको और अपने व्यूअर्स को, तो मैं खासकर बताऊंगा और एकदम जेन्युइन तरीके से बताऊंगा दोस्तों। बहुत आसान होता है, बच्चा भी कर सकता है इसको, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है दोस्तों। मगर बड़े बड़े लोग आएंगे मेरे पास, ऑफिस वाले भाई साहब, बैग टांग के ऐसा लगेगा जैसे अभी बिल गेट्स के यहाँ से आ रहे हैं, मगर उनको इतना नहीं पता होता कि डाटा सेव कहाँ से होता है। गलती उनकी नहीं है दोस्तों, हर कोई नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं भैया, गाड़ी तो चला ली मगर ख़राब हो जाए तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, खोल गया ना उसके लिए मैकेनिक को ही आना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में हम सीखते नहीं हैं इन चीज़ों को, इतना ध्यान देते नहीं, जिसका काम वही करे। तो दोस्तों ये मैं 2 मिनट की ट्रिक आपको बता देता हूँ, आप भी सीख जाएंगे। हर किसी के लिए ज़रूरी वीडियो है दोस्तों ये, कोई ऐसा नहीं है कोई खास एक आधे के लिए कोई वीडियो है, मोबाइल रिपेयर वाले के लिए है या आम पब्लिक के लिए, सबके लिए ये वीडियो है दोस्तों। गौर से देखना, ये बातें आपको हर कोई बंदा बताता नहीं है, ठीक है दोस्तों। से डाटा सेव करने के पैसे तक मांग लिए जाते हैं बहुत सी मोबाइल रिपेयर शॉप पर। तो दोस्तों आप खुद से ऐसे इसे कैसे कर लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी मोबाइल हो, सेटिंग में जाइए, कोई भी मोबाइल हो आपके पास, 4G होना चाहिए, कोई भी मोबाइल हो दोस्तों, कोई भी, मैं कोई किसी का नाम नहीं बता रहा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, टेक्नो और लावा, कोई भी मॉडल हो, किसी भी कंपनी का हो, सब में आप ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीख लीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। सेटिंग में जाइए, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है गूगल में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों गूगल पे चले जाना, गूगल का ऑप्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये क्यों होता है आपको आगे पता चल जाएगा दोस्तों। गूगल पे टिक करेंगे, अब इसके बाद इसमें देखो दोस्तों आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब इसमें एक ऑप्शन आता है दोस्तों बैकअप का, ठीक है दोस्तों, बैकअप का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों आपको किसी भी मोबाइल में, चाहे आप अभी कर लीजिए और जिसे याद करके रखिए, आगे की बातें बाद में बताऊँगा दोस्तों, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अभी मत करना, अभी करना शुरू मत करना, पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद ही करना, है ना दोस्तों। बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, बैकअप पे टिक कर दीजिए, उसके बाद आपका डाटा ऑटोमेटिक जीमेल आईडी पर, आपके जो भी जीमेल आईडी आपने डाल रखी होगी, जिस जीमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा होगा अपने मोबाइल में, उस जीमेल आईडी पर डाटा अपने आप सिंक होने लगेगा। सिंक मतलब जाना उस पर, तो बिल्कुल जाने लगेगा, बिंदास जाने लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डाटा कभी कभी हमारा ज़्यादा होता है, 2GB, 3GB, 4GB, 5GB का होता है, है ना। और हमने जो एयरटेल वगैरह का रिचार्ज करा रखा है, वो एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी कंपनी का आपने रिचार्ज अगर करा रखा हो, तो उसमें क्या होता है डाटा लिमिटेड मिलता है, 1GB, 1.5GB, 2GB, तो उसमें उस चक्कर में फिर हमारा आधा डाटा रह जाएगा, आधा नहीं जा पाएगा, तो इसलिए वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये जाता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस पर टिक कर दीजिए, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी, ऐप जो हैंगी 23 ऐप इस मोबाइल में, और फ़ोटो, वीडियो, SMS, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग, गूगल अकाउंट डाटा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ देखो दोस्तों, है ना, लिखा है ना, सिंक विद कॉन्टैक्ट, कैलेंडर एंड मोर, ये सारी चीज़ें आपकी सेव होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों, ड्राइव में ये सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करेंगे,
कहाँ ढूंढेंगे, चोरी के मोबाइल आजकल मिलते तो है नहीं, है ना। और कहीं बस के नीचे आ जाए, ट्रक के नीचे आ जाए मोबाइल, तो भैया फिर मदरबोर्ड जिसका टूट गया, मान लो खाली डिस्प्ले टूट गया तो डिस्प्ले डाल के डाटा निकाल सकते हैं, मगर जिसका मदरबोर्ड ही टूट जाएगा तो उसका डाटा कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। दूसरा मदरबोर्ड डलेगा तो उसमें तो उसका तो सिस्टम ही अलग होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने जब आ जाती है ना, जब फिर हम फंस जाते हैं दोस्तों कि अब करें क्या, फिर हम परेशान हो जाते हैं दोस्तों कि अब डाटा चाहिए डाटा चाहिए। उसमें वो फ़ोटो थे, शादी के फ़ोटो थे, बर्थडे के फ़ोटो थे, वीडियो थे, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। एक दिल पे एक दुख होता है कि काश मेरे पास वो फ़ोटो मिल जाती। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे कस्टमर को देखा है ऐसे, एकदम ऐसे आएंगे आजीजी के साथ आएंगे एकदम के भाई साहब किसी भी तरह निकाल दीजिए फ़ोटो, मेरे वीडियो निकाल दीजिए, बच्चों के हैं, मेरे बर्थडे के, मतलब इतने पर। फिर उन्हें देख के मेरा भी दिल ऐसा पिघलता कि मैं क्या करूँ, अगर कोई तरीका होता तो निकाल भी देता, मगर बंदे ने सिंक ही नहीं किया होता। गूगल अकाउंट पर डाल दीजिए, उसके बाद आप जब नया सेट आप खरीदोगे ना, जब आपको नया सेट ख़रीदना है तो आप इसी पे टिक कर कर बैकअप नाउ पे टिक कर दीजिए। बैकअप नाउ पे टिक करोगे जीमेल आईडी, आप वही वाली पुरानी वाली डाल देना, ऐसे ही सिंक होने लगेगा और इस मोबाइल में दोबारा डाटा आपका वापस आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत आसान होता है ये करना। ये करके आप रखिए, आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो ना तो अभी वीडियो के फौरन बाद ये काम कर लीजिए, क्या पता कल को कोई हादसा हो जाए, अगले दिन मोबाइल खो जाए, पहाड़ से गिर जाए, कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपका गूगल अकाउंट पर डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद आप दोबारा उस डाटा को किसी भी मोबाइल में आप ले सकते हो, किसी भी मोबाइल पर आप बैकअप नाउ का टिक पे टिक करेंगे, सारा डाटा यूं कि यूं आपका वापस आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा पुराना फ़ोन आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में आई होप कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे डाटा रिकवरी के बारे में। डाटा रिकवरी खुद से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक यूज़फुल टिप्स को लेकर, ठीक है दोस्तों। ये फ़ोन है ओप्पो F19 Pro का, इसमें मैं आपको बता रहा था, आप किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।